यहाँ हम रुके हैं अशकोली के रास्ते में खाना खाने के लिए। आर्मी वालों ने रोक लिया, को कागज़ का मसला था, बस यहाँ पे लंच करेंगे। ये सेब के दरख्त हैं, कुछ लगे हुए हैं, और ये तैयारी हो गई है। और ये हमारे खालिद भाई तैयार हैं टोपियाँ वोपियाँ लगा के, सईद भाई चैंपियन, और ये हमारे नवीद बेटे, उमर भाई अशकोली से निकल आए अभी, और ये उसका बॉर्डर था यहाँ पे अशकोली का, और ये सामने जा रहे हैं हमारी टीम, और ये पीछे भी। ये अशकोली मैदान है, यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है। ये हम जिला के रास्ते में आए हुए हैं, और अब यहाँ जीप रोड जा रही है जुला, जो कि 24 किलोमीटर जो है उसकी बचत हो रही है। अब जो हमें बताया जा रहा है कि हमने यहाँ से रास्ता इधर से कहीं निकल के जाना है स्नो लेक की तरफ, और ये तरफ जो है जो वो K2 बेस कैंप का रास्ता है, ये स्नो लेक की तरफ जा रहे हैं, और ये छोटा सा ट्रैक है। लोग नामला जा रहे हैं, नामला पहले हम मैंगो की बात कर रहे थे नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले नामला रात को रहेंगे। काफ़ी हाइट तक आ गए हैं, और यहाँ से क्रॉस करना, वो नीचे से आ रहे हैं। पीक्स हैं सब, हवा चल रही है लेकिन पसीने आ रहे हैं। ये ऊपर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है और थोड़ा सा रह गया, बट हू नोस। आज है 23 तारीख है, और हम नमला से निकल रहे हैं मांगो, और लंबा ट्रैक है, और नवीद भाई और सईद भाई वापस जा रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा मोरल डाउन है हमारा भी। और नवीद भाई कुछ कहना चाहते हैं? भाई खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला आप लोगों को सात खैरियत के लेके जाए, आमीन। सात खैरियत के लेकर आए, अल्लाह ताला अपनी तमाम आसानियां फरमाए, आमीन, और तमाम मुश्किलात से अल्लाह ताला महफूज रखे। सईद भाई आप दोनों की बड़ी कमी महसूस होगी, बहरहाल वो अल्लाह ताला की हिकमत अगर नहीं थी जी, हाँ मुनासिब यही है कि हम फिर चले जाएं तो बेहतर है। ये मैंने मारा अभी भी, वो नवीद भाई ये आपको तोहफा दूंगा, आप वापस लेते जाएं। एक घंटा होने को है, ये हालात चल रहे हैं। ये ट्रैक देखें, और ये बच्चे का पांव देखें, और उमर भाई को देखें, अली भाई को देखें, खालिद भाई को देखें, और ये स्लोप को देखें, और वो कैसे जा रहे हैं। हाँ लंच करके निकले हम लोग की मदद से, सारे फिट पार्ट है।
दो दिन से ग्लेशियर ही ग्लेशियर पार कर रहे हैं और बहुत ही टफ है। अब ये सोचो 10 घंटे हो गए उसके ऊपर से ये रोड है और इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हमने सही डिसीजन लिया था नवीद भाई को और सईद भाई को भेजने का। बज के 40 मिनट हो गए। हम ये कौन सी जगह बड़ा पत्थर कहते हैं ना? जी सर, सिंगापुर से अभी जा रहे हैं बैंथा। अब बस धूप निकली हुई है, रात को सर्दी थी और इन्होंने सही तरह कवर अप नहीं किया था टेंट, हवा चारों तरफ से आ रही थी। ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ चल रहे हैं और आज ये दबा हुआ। एक टोपी गर्म पहनी है, ऊपर ये टोपी है, ये मफलर है, अंदर जैकेट है, ग्लव्स है, फिर भी ठंड लग रही है। -4-5 हो गया। टाइम हो गया जी 12:30। टीमें जा रही हैं। अदब वालों के बस्ते में सदाएं दी बहुत हमने। अदब वालों के बस्ते में सदाएं दी बहुत हमने, सभी ने खिड़कियां खोली किसी ने दर नहीं खोला। वाह वाह, हमने वाह जाना है। अब के नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, देखिए धड़कन तो है। मिल गई मंजिल मुझे, मिल गई मंजिल मुझे। हम तुमको नहीं छोड़ेगी। क्यों सर? अच्छा कह रहा ये है, ये ये पहुंच गया। I'm damn tired. I'm damn angry. Why are you? You angry? Because you are lying. You have seen my smile. Yeah, you haven't seen my anger. Chale ji chale 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 thalle chale.
वेलकम टू मार्फागर। 8:15 पैकिंग हो रही है और कहाँ जा रहे हैं आज हम? कार्फोगोरो। कहते हैं शायर, कह रहे हैं सुहाना सफर ये मौसम हसीन, हमें यहाँ डर हम खो ना जाए कहीं, पानी बह रहा है और इतना अच्छा लग रहा है इसकी आवाज़ सुने। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, जो देखेगा वो मज़ा लेगा, जो नहीं देखेगा वो रोएगा। ये पोटर जा रहे हैं सामान उठा के, और एक ये जा रहे हैं, ये लाइन बना के चले, इतने खूबसूरत लगते हैं ये लोग, ये आ रहे हैं। मौसम ठीक है, सर्दी तो है क्योंकि अंदर डाउन जैकेट और सब चीज़ पहनी हुई है, और सो फार सो गुड, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये चीज़ दिखाई हमें, अल्लाह की कुदरत बड़ी वसी है। 1.5-2 घंटे हो गए इसी पत्थरों पे चल रहे हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अंडर दिस। मेरे ख्याल इस वक्त होगा 4,500 मीटर, अब बस वो है जहाँ हमने रेस्ट करना है। माय गुडनेस, व्यू बहुत अच्छा आएगा ऊपर से। कल और परसों जो है सब मिड डे है, अल्लाह ताला खैर करे। ये स्नो लेक स्टार्ट हुआ, अभी 6:30 बजे निकले थे और 8 बज गए। ये पॉइंट है, यहीं से लुकपिला कुर्तपीन स्नो लेक का हिस्पर। हाँ, ये देखे क्रेवस में गिर गया। हाँ हाँ, ये पता नहीं लग रहा कि ये यही एक मदर मसला है। तकरीबन आधा घंटा रहता है, आधा पौना घंटा स्नो लेक के कोने पे पहुँच जाएंगे। इसकी ब्यूटी देखें, कहते तो है स्नो लेक लेकिन ये जमा हुआ लेक है। ये अब आपको नजर आ रहा है, ये जैसे उतराई है, इस दरमियान से हमने क्रॉस करना है, दाएं बाएं क्रेविस है। हाँ, दाएं बाएं क्रेविस है, ये सब चीजें तो ये बड़े खतरनाक है, ऐसा ना पाऊं गया तो अंदर ही सीधा, तो बड़ा संभल संभल के चलना पड़ता है। जो देखेगा वो ये कहेगा कितना अच्छा नज़ारा है, हम कह रहे हैं कि ओहो वेदर ख़राब हो गया, बस बर्फबारी शुरू हो गई है। ओए,
इतने जोर से हवा चल रही है। जी सर आप देखो, ओह काला सा बूंदा सा नजर आ रहा है, वहां से आ रहे हैं चढ़ते चढ़ते रूपिंग करके। और कितना रह गया? यहाँ भी खरबस बहुत है। अल्लाह अकबर, ओहो हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत जगह है। पता नहीं अल्लाह ताला को कितनी मेहरबानी हमारे ऊपर है कि यहाँ ले आए। तकरीबन टॉप पे आ गए और फिर बर्फबारी हो रही है और हमारा जो है वली खान वो थक गया है और थकने की वजह भी है। अस्सलाम वालेकुम, 27 अगस्त है। हाँ 27 अगस्त, 27 अगस्त है, आज जुम्मा है। 3:10 में हमने जो है अल्लाह के फजल से इस पर लाख पास किया है। ये इस पर लाख क्रॉस पे खड़े हुए और ये झंडा है पाकिस्तान का। ये हम पहुंच गए अल्लाह के फजल से और स्ट्रॉन्ग एज एवर। और मेरा सबको सलाम पाकिस्तान में, जितने भी पाकिस्तानी हैं। और रख जाता हूँ कि आप भी मेरी तरह हिम्मत करें। मेरी उम्र है 68 साल। 3:10 में हम लोग जो है ना यहाँ पे आए थे और 28 तारीख अभी हम नीचे डिसेंट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फिट ऑफ हार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से। बस अल्लाह ताला और आसानियाँ करे, हमें नीचे उतार दे, मौसम तो इतना अच्छा नहीं है। और ये हमारी टीम जो है बैकअप कर रही है और बर्फबारी जोरदार हो रही है और एक वो टीम आ रही है। अल्लाह ताला खैर आफियत करे। मंजिल कदम कदम पे पहुंचना दे पे तो कहना का सलाम लीजिए। आप देख रहे हैं कि 3 से 4 फुट बर्फ पड़ चुकी है कल से और ये सिचुएशन है। ये देख ले, ये आगे पोर्टल जा रहे हैं और कहाँ तक बर्फ है। अल्लाह अकबर, हमने भी यहीं से जाना है इनके पीछे पीछे। असल काम इन लोगों का है। और वहाँ जाना है उस कोने पे, इतना ही फासला था कल भी। आप देखें फिर इसकी वजह से इतना अब और तकलीफ हो रही है हमें।
अब देखें ये कितना घुस गया अंदर। ओए हो, अल्लाह ताला हमें भी खैर आफियत से लेके जाए। तनवीर भाई कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार्ट किया आपने? हाँ। इस पर टॉप से नीचे जा रहा है मौसम? पीछे का फोटो मैंने इतना खूबसूरत मंजर जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा सर। हाँ ना, अब आप देखो तो सही कैसा खूबसूरत पहाड़ है। और पीछे देखें वो टीम जो है दूसरे ग्रुप की, और अभी उन्होंने अजान दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा। अच्छा आप ये बताएं, आप तो इतने पुराने आदमी हैं, 68 साल का कोई आपकी नजर में गुजरा ये पास किया है? नहीं नहीं सर, मेरे जिंदगी में मैं 2005 से इस ला को कर रहा हूँ, तो मेरे सामने से कोई 68 का कोई बंदा इस टॉप को क्रॉस नहीं कर सका। पाकिस्तानी या फॉरेनर? फॉरेनर भी कोई नहीं आया, ना पाकिस्तानी आए पहले। अच्छा। आज मेरे साथ एक, मैं खुशी से ये बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक तनवीर साहब ये हमारा कराची का है, तो इन्होंने हमारे साथ कदम ब कदम बाकी लोगों को रास्ता बनाते हुए हमारे साथ सेफ्टी में खड़े हैं। तो आप सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुबारक, ये सारा करम अल्लाह का है, अल्लाह सुभान व तआला ने इतनी हिम्मत दी है कि हम आपके साथ चल रहे हैं। तनवीर साहब को मुबारकबाद देना भी चाहता हूँ। अभी हम वो टॉप के बिल्कुल ऊपर ही पहुँचा है, बाकी जस्ट हम ये जो हमारा सेफ्टी में 40 मिनट का रास्ता है, हम टॉप क्रॉस कर रहे हैं। जब के शाह को दुखरा सुनाने जाऊंगा। हम अब नीचे उतर रहे तकरीबन, और आप देखें कितना खूबसूरत मंजर है, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये हम अभी डिसेंड कर रहे हैं, ऐसी खूबसूरत जगह दुनिया में नहीं होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। और ये नज़ारा पुरलुत्फ, और बड़े अरसे बाद कोई जो है रंग बिरंगे पौधे देखने को मिल रहा। और ये देखें, आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तेरी आने की खबर ना आ सकी, याद तेरे दिल से भी ना जा सके, हो गए पागल तेरे यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तेरे आने की खबर खत्म हो रही है। और आज मौसम जो है बराबरूदा सर्दी है, और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, और इस साथ देखें उल्टे हाथ पे आप देखें कि कितना खूबसूरत मंजर है। 7:15 बजे 1 सितंबर 2021 स्टार कैंप में है, और अब दूसरे कैंप की तैयारी है ट्रैक की, 6 से 7 घंटे लगेंगे। और ये सुबह का पुरलुत्फ और ख़ूबसूरत मंज़र है, और ये मंज़र को देख के अल्लाह की कुदरत
इसको देखें कितनी खूबसूरत है। अगर किसी ने सूरह रहमान पढ़ी है तो एक वो मंज़र है कि कौन कौन सी कुदरत को आप झूठ लाओगे। तो मैं सबको दरख्वास्त करता हूँ तो आप निकलें और एक खूबसूरत मंज़र को देखें। एक यही नहीं है, बेशुमार खूबसूरत दुनिया में ऐसे मंज़र हैं। आप बाहर क्यों जाते हैं, यहाँ जाएं, थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और ये चीज़ें देखें। ज़रूरी नहीं है बड़े पहाड़ों में जाके बड़े शहरों में जाके रहें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और ये देखें समंदर है ग्लेशियर का अभी तक। अब हम जा रहे हैं विटामिन कैंप, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फबारी और ग्लेशियर हमारा पीछा कर रही है। और एक छोटी सी सीन एक और है, और ये देखें 9 बज रहे हैं और एक मुझे उतर आए काफ़ी, लेकिन बर्फबारी दबा के हो रही है। और ये पहली जो है बड़ी आबशार नज़र आ रही है, इसको क्रॉस किया है अभी। एक वली भाई है हमारा ग्रेट, ये चढ़ाई है और वो देखो सामान लेके पोटर कुछ रास्ता बना रहे हैं। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये वहां से आया है, अब तक यहाँ से 1.5-2 घंटे लग गए वहां से आते आते। ये सारे ग्लेशियर क्रॉस करते हुए हैं। की बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है। दुआ सर, आप सुनाएं सर, आप सुनाएं सर जी। बस ट्रैक खत्म हो तो गिलगित जाए और गिलगित से कराची जाए अपने घर। अच्छा सर। हाँ, इस पर विलेज जा रहे हैं और वेदर बहुत प्लेजेंट है। हमें तो गर्मी लग रही है क्योंकि 8-10 दिन से सर्दी शदीद किस्म की देख के आए हैं। स्नो स्टॉर्म, बर्फबारी, हवा, तकलीफ, ज़ीरो विजिबिलिटी और मुश्किल तीन ट्रैक, बर्फ की पहाड़ियों को खैर बात कर रहे हैं। एक तरफ से खुशी हो रही है और एक तरफ से अफसोस हो रहा है कि 8 से 10-12 दिन बर्फ की पहाड़ियों का साथ रहा है। ये हम इस पर चराखा जहाँ पे भेड़ बकरियाँ जो है चराते हैं, तो ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ तक पहुँच गए। ये देखें दरिया बह रहा है, ये अल्लाह की कुदरत। और ये पहाड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं सुबह से। और ये देखें इस
कैसा खूबसूरत है, खेती बाड़ी हुई हुई है। रास्ता कैसे रहा सर? बस अभी जाने की वो है खुशी। अच्छा सर, ये एक और लुक है इस पर विलेज का, और ये अभी यहाँ से आगे जाके पुल है, पुल पार करनी है। ये सारा ग्लेशियर का पानी ऊपर से आ रहा है।